नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आप सदा फूलों की भांति मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लांट हेल्प इन हिंदी में, जहां आपको मिलते हैं आपके गार्डनिंग से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के सरल और सटीक जवाब, वो भी 25 वर्षों से अधिक अनुभवी इस क्षेत्र में कार्यरत प्लांट विशेषज्ञों से। और अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लांट हेल्प इन हिंदी। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल का आइकन जरूर दबाएं, बेल के आइकन को करें ऑल पर सेट, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात और, आप वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन इसे शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तुलसी। इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी उगाने का वह तरीका जो 100% उत्तम परिणाम देता है। तुलसी वैदिक संस्कृति में पूजनीय होने के साथ सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार जैसी सैकड़ों बीमारियों में काम आने वाली अनमोल औषधि है। अतः तुलसी का पौधा औषधीय महत्व से या पूजनीय दृष्टि से हमें अपने घरों में अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी के बीज कब लगाएं। यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी पुरानी तुलसी के बीजों से सैकड़ों पौधे उगा सकते हैं और दूसरों को नए पौधे भेंट स्वरूप दे सकते हैं। वैसे तो तुलसी के बीज वर्ष में किसी भी समय लगाए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, बीज लगाने का मुख्य समय बरसात का मौसम है। अतः आप जून से अगस्त माह के बीच में तुलसी के बीजों को अवश्य लगाएं, जिस समय कम मेहनत में तुलसी के बहुत अच्छे पौधे उगाए जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। चिकनी मिट्टी छोड़कर साधारणतः तुलसी किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से पनप जाती है और बरसात में हमें बीज लगाने के लिए साधारण पाक की मिट्टी का इस्तेमाल करने से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तुलसी के बीजों को किस प्रकार निकालें? मुख्य रूप से घरों में श्यामा तुलसी और रामा तुलसी उगाए जाते हैं, जिनके बीज निकालने की और लगाने की प्रक्रिया समान होती है। यह तुलसी की मंजरी कहलाती है। इन्हीं के अंदर तुलसी के बीज पाए जाते हैं। जब यह मंजरी तुलसी के पेड़ में लगे लगे सूख जाती है, तब बीज पूर्ण रूप से पके हुए होते हैं। अतः बीज निकालने के लिए ऐसी मंजरियों का चुनाव करें जो पूर्णतः सूख चुकी हो। मंजरी को इस प्रकार हल्के हाथों से खींचने से इस प्रकार से बीज पुष्प सहित निकल आते हैं। आप इन्हें आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं या अधिक निकाल कर बाद के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए यह तरीका भी जानते हैं, पुष्प में से बीजों को किस प्रकार निकाला जाए। कुछ पुष्पों को हथेली में लेकर इस प्रकार से हल्के हाथों से मसलने से पुष्प में से बीज अलग निकल आते हैं। इस प्रकार हथेली में पुष्पों को रगड़ कर आप बहुत सारे बीजों को निकाल सकते हैं। वैसे तो आप पुष्प सहित बीजों को भी एक रात पानी में भिगोकर लगा सकते हैं, परंतु और अच्छे परिणाम पाने के लिए आप बीजों को अलग निकाल कर लगाएं। जहां बीजों को लगाना है वहां की मिट्टी पहले से गीली कर रखें। अब उस जगह की गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। अब बीजों को इस प्रकार से छिड़क दें, वो साथ में पुष्प कलियों को भी छिड़क दें, ताकि कलियों पर चिपके बीज व्यर्थ ना जाए। तथा अब साधारण मिट्टी की एक परत ऊपर से डालें और हल्के से पानी का छिड़काव करें। करीब 8-9 दिनों बाद पौधे आपके इतने बड़े हो जाएंगे और 16 दिनों बाद पौधे आपके इतने बड़े हो जाएंगे। समाप्त। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कर दीजिए प्यारा सा कमेंट
वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल को कर दीजिए ऑल पर सेट और वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।